Assalamu alaikum viewers, this is me Naila Tehim and I welcome you all to Javed Publishers. Aaj hum Kids Science Grade 5 ke chapter number 3 Flowers and Seeds ke SLOs ke bare mein janenge. Sabse pehle hum is chapter mein padhenge ki flower ka structure kya hota hai, kaise hum flower ko examine kar sakte hain, uske different parts ko kis tarah hum पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. नेक्स्ट हम ये जानेंगे कि पोलिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और किस किस तरह की पोलिनेशन होती है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पोलिनेशन को आगे लिंगर ऑन करती हैं. थर्ड में हम ये पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और सेक्शुअल और एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में किस किस तरीकों से होती है, इनको हम स्टडी करेंगे. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीड का स्ट्रक्चर, यानी कि सीड से कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जो पहले स्प्राउट करते हैं, यानी कि रेडिकल और प्यूम्यूल, और प्यूम्यूल और रेडिकल से आगे कैसे रूट्स और शूट्स डेवलप होती हैं और एक सीड पूरा न्यू प्लांट जो है वो बनाता है. ये पूरा प्रोसेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. देन उसके बाद हम ये देखेंगे दो सीड्स का कंपैरिजन करेंगे, मेज सीड और चिक पी. हम इन दोनों की एग्जामिनेशन करेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन और कंट्रास्ट भी हम इसी चैप्टर में करेंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम उन कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे जो एक सीड को जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है, लाइक विच काइंड ऑफ एनवायरमेंट, कैसा टेम्परेचर, क्या उसको चाहिए, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे. तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. टेक आउट पेज नंबर 22 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. लेट्स रीड द चैप्टर. फ्लावर्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. दे हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड स्मेल. देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ फ्लावर्स इन नेचर. यहाँ पे फूलों के बारे में बता रहे हैं कि फूल वो अट्रैक्टिव पार्ट प्लांट के होते हैं जिनकी वजह से रिप्रोडक्शन आगे कैरी ऑन होती है. फूलों की डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, उनके डिफरेंट कलर होते हैं और उनकी मुख्तलिफ खुशबू होती है. नेचर ने, कुदरत ने फूलों की बहुत ज़्यादा इकसाम जो हैं वो बनाई हैं. किसी की मुनासिबत से हमें एक एक्टिविटी दी गई है, कलेक्ट 5 डिफरेंट फ्लावर्स फ्रॉम योर स्कूल और लोकेलिटी. ऑब्जर्व देयर कलर, शेप्स एंड स्मेल. सेपरेट द डिफरेंट पार्ट्स यूजिंग अ ट्वीजर्स. ड्रॉ द शेप्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स एंड राइट देयर नेम्स. जी हाँ, अपने इर्द गिर्द लोकेलिटी से, अपने नियर बाय विसिनिटी से या अपने स्कूल से 5 डिफरेंट तरह के फूल इकट्ठे करें. उनकी शेप, कलर, साइज और उनकी स्मेल को आप डिफ्रेंशिएट करें कि उनमें क्या आपको ख़ास ऐसी चीज़ें लगी हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और उनके डिफरेंट पार्ट्स को अलहदा कीजिए बाय यूजिंग अ ट्वीजर्स. अब उनके पार्ट्स क्या हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, और इसी तरह इनके तमाम पार्ट्स की शेप्स आप कॉपी में ड्रॉ करें. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. अब इस टॉपिक में हम एक फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. सबसे पहले हम इसके पार्ट की बात करें कि फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. अपने बुक में दिए गए डायग्राम को अगर आप गौर से देखें, अ फ्लावर इज अटैच टू अ स्टेम बाय अ स्टॉक. फूल जो है वो एक डंडी के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है. फूल की पत्तियाँ एक डंडी के साथ जुड़ी हुई हैं. दिस स्टॉक इज कॉल्ड पेडिकल. इस डंडी को हम क्या कहते हैं, पेडिकल. यानी कि वो जहाँ जैसे हम फूल पकड़ते हैं जिस डंडी से, उसको हम पेडिकल बोलते हैं. द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अ पेडिकल इज अ स्वॉलन स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस. अब इस डंडी का जो उभरा हुआ पार्ट जहाँ से फूल अटैच होता है, उस पार्ट को हम थैलेमस कहते हैं. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ फ्लावर आर अरेंज एज रिंग्स ऑफ वॉल्स. और इस थैलेमस के साथ जो फूल के बाकी हिस्से हैं वो एक सर्कुलर मोशन में जुड़े होते हैं एक ही पॉइंट से, यानी कि एक्सिस उसका एक है और वो सर्कुलर मोशन में, राउंड में प्रेजेंट है. अ सर्कुलर अरेंजमेंट अराउंड अ कॉमन एक्सिस ऑन द थैलेमस. जी हाँ, जैसे कि अभी मैंने बताया. अब हम इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. फूल में कौन कौन से पार्ट्स हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, एंथर, फिलामेंट, स्टिग्मा, ओवरी एंड स्टाइल. इन तमाम पार्ट्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले सेपल्स. सेपल्स आर द आउटर मोस्ट ग्रीन लीफ लाइक पार्ट ऑफ अ फ्लावर. दे इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इनटू द बड स्टेज. जी हाँ, सेपल्स जो हैं फूल के सबसे बाहर वाला जो सर्कल है, बाहर वाला वर्ल्ड है, यानी कि जब फूल खिला नहीं होता, वो एक बम क्लोज्ड फॉर्म में होता है, उसके ऊपर ग्रीन कलर की पत्तियां उन्हें उसे ढका होता है. दीज ग्रीन पेटल्स आर कॉल्ड सेपल्स. इन ग्रीन पत्तियों को हम सेपल्स कहते हैं. इनसाइड द सेपल्स आर पेटल्स. पेटल्स आर द कलरफुल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन.
Some petals are smelling very good. अब हम sepal के whorl से अगर अंदर की तरफ चलें, तो यहाँ पे जो एक next whorl है हमारे पास, वो petals का है. फूल की पत्तियाँ मुख्तलिफ रंग की हो सकती हैं, उन्हें हम petals कहते हैं. Insects या हशरात जो हैं, वो पौधे के ऊपर आते हैं, फूल के ऊपर आते हैं और वहाँ से नेक्टर सक करके वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और इसकी वजह से पॉलिनेशन भी होती है. Inside the petals there are thread-like structures with swollen tips. These are called stamens. Stamen is a male part of a flower. It is made up of filament and anther. इसी तरह फूलों की पत्तियों के बाद जो एक नेक्स्ट वर्ल आता है, वो वहाँ पे थ्रेड-like स्ट्रक्चर होंगे जिनके टिप्स जो हैं वो स्वॉलन होती हैं और वो ऊपर से बारीक हो जाते हैं. इनको हम स्टेमन कहते हैं. स्टेमन के भी दो पार्ट होते हैं. ये पौधे का यानी कि फूल का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसके दो पार्ट हैं. लंबी स्टॉक को हम फिलामेंट कहते हैं और उसके ऊपर एक एंथर प्रेजेंट होता है. अगर हम एंथर की बात करें, एंथर इज द पार्ट ऑफ द स्टेमन दैट प्रोड्यूस एंड कंटेन पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स आर पाउडर लाइक सब्सटेंसेस दैट कंटेन द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स. एंथर पौधे का वो स्वॉलन पार्ट है जिसके अंदर ग्रेन्स होते हैं और ये ग्रेन्स जो हैं वो पाउडर लाइक सब्सटेंस में होते हैं और इसको पौधे का मेल रिप्रोडक्टिव सेल कहा जाता है. नाउ टॉक अबाउट फिलामेंट. फिलामेंट इज अ स्टॉक ऑन विच द एंथर इज रेस्ट. जी हाँ, फिलामेंट एक लंबी डंडी है जिसके ऊपर एंथर जो है वो रेस्ट करता है. नेक्स्ट, अ फ्लावर शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल और कार्पल. Pistil is the female part of a flower. It is made up of stigma, style and ovary. हम stamen के whorl से अगर आगे जाएं तो वहाँ पे हमें एक flower shape pistil नज़र आता है जिसको हम carpel भी कहते हैं और ये फूल का female reproductive part है जो कि तीन part से बना है, stigma, style and ovary. Next अगर हम बात करें stigma is a sticky bulb present in the center of a flower to receive the pollen grains. Stigma फूल के अंदर एक स्टिकी सब्सटेंस है जो कि पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है. स्टाइल इज द लॉन्ग स्टॉक विच कनेक्ट द स्टिग्मा टू द ओवरी. एक लंबी डंडी जो स्टिग्मा को ओवरी से मिलाती है उसको हम स्टाइल बोलते हैं. नाउ टॉक अबाउट द ओवरी. ओवरी इज द बेसल स्वॉलन पार्ट ऑफ द पिस्टल. इट इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट हैज ओव्यूल्स इनसाइड इट. ईच ओव्यूल कंटेन्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स. ओवरी जो है वो पिस्टल का स्वॉलन पार्ट है, यानी कि पिस्टल के एंडिंग पे एक उभार, एक स्वॉलन पार्ट है, उसको हम ओवरी कहते हैं. ये पौधे का वो वाला पार्ट है जिसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और हर ओव्यूल में एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल प्रेजेंट होता है. इन तमाम चीज़ों की पिक्चर्स आपको आपकी किताब पे दी गई हैं. पार्ट्स ऑफ कार्पल देखिए और स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, ये बहुत डिटेल में आपकी किताब में दिया गया है. My activity, collect few flowers from a nearby garden with due permission. Pick only the fallen ones. Check out the following features for each flower. अपने इर्द गिर्द गार्डन से परमिशन लेकर कुछ फूल लीजिए. बेहतर होगा वो फूल पिक कीजिए जो कि नीचे गिरे हुए हों. उन फूलों को आप घर ले आइए या स्कूल ले आइए और अब हमने इसके डिफरेंट फीचर्स को स्टडी करना है. नंबर वन, डू ऑल फ्लावर्स हैव ऑल द पार्ट दैट इज सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल. सबसे पहले गौर कीजिए कि तमाम फूलों में क्या तमाम पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सेपल, पेटल, स्टेमन्स और पिस्टल, या किसी में मिसिंग है. नंबर टू, नोट द नंबर ऑफ ईच पार्ट प्रेजेंट और जो पार्ट प्रेजेंट है उनकी नंबर्स को आप काउंट कीजिए. नंबर थ्री, वेरिएशन इन द शेप एंड साइज ऑफ ईच पार्ट. हर पार्ट में क्या वेरिएशन है साइज में और उसके कलर में, ये नोट डाउन कीजिए. आर द सेपल जॉइंट टुगेदर और सेपरेटेड. क्या जो सेपल्स यानी कि ग्रीन पत्तियां फूल की हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं या अलहदा हैं. इसी तरह, आर द स्टेमन्स फ्री और जॉइंट टू पेटल्स, या स्टेमन जो है वो फूल की पत्तियों से जुड़े हुए हैं या फ्री हैं. इन तमाम चीज़ों को नोट डाउन कीजिए अपनी किताब में और ये चेंजेस हर फूल में वेरी कर सकती हैं, यानी कि एक फूल दूसरे फूल से मुख्तलिफ हो सकता है, ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, नॉट ऑफ द सेम स्पीशीज. यू विल फाइंड वाइड डिफरेंसेस इन द नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. Some parts may be even missing in some flowers. Make a table in your notebook and fill in your observation. जी हाँ, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बहुत सारे पौधों के नंबर और स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस हो सकते हैं. अपनी कॉपी में इन तमाम डिफरेंसेस को नोट डाउन कीजिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, रिमूव टू पिस्टल्स ऑफ एनी फ्लावर विद द हेल्प ऑफ एन एल्डर. यूज अ ब्लेड टू मेक ए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ वन एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द अदर. Put a drop of water in each to prevent them from drying. Observe the inner parts of the ovaries with the help of magnifying glass. You will see some small bead-like structure inside the ovary. They are called ovules. Draw the diagram of ovary and ovules. दो पिस्टल लीजिए किसी दो फूलों के. एक को आप ट्रांसवर्स में काटिए और दूसरे को आप लॉन्गिट्यूडनल में काटिए. अब इसके लिए आप किसी अपने बड़े की
मदद भी ले सकते हैं। फिर आप ये देखिए कि इन पिस्टल्स को काटने के बाद इनमें ओवरीज किस तरह की हैं और ओवरीज के अंदर छोटे छोटे बीड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ओव्यूल्स हैं, उनको भी ऑब्जर्व कीजिए और ओव्यूल और ओव्यूल्स ओवरी और ओव्यूल्स की डायग्राम्स अपनी कॉपी पर बनाइए। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।